और मनीष का मेडिकल जांच हुआ है। जांच के बाद दोनों को लाया गया है सीबीआई के दफ्तर। दोनों आरोपियों से सीबीआई की टीम यहां पर पूछताछ कर रही थी। लगातार सीबीआई एक्शन में है और आरोपी चिंटू और मनीष का जहां एक और मेडिकल जांच हुई है, तो वहीं जांच के बाद दोनों को लाया गया सीबीआई के दफ्तर। दोनों आरोपियों से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। तो नीट मामले में सीबीआई की जांच तेज। आरोपी चिंटू और मनीष का जहां एक और मेडिकल हुआ है, तो वहीं अब पूछताछ भी होगी। सीबीआई की टीम जो है वो चिंटू और मुकेश को यहाँ से लेके जा रही है। ये पटना के एनजेपी अस्पताल है और यहीं पर दोनों का मेडिकल चेकअप हुआ था। और उसके बाद देखिए दोनों को सीबीआई की टीम जो है वो जांच के लिए ले जा रही है। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले ही पटना के एनजेपी अस्पताल में लोगों से पूछताछ हो रही थी और अब सीबीआई की टीम जो है ये यहाँ से लेकर एनजेपी अस्पताल से सीबीआई के ऑफिस जा रही है। हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के एनजेपी अस्पताल का, और सीबीआई की टीम जो है ये दोनों आरोपी को कल ही रिमांड पर ली थी और आज इन सबसे पूछताछ जो है वो होगी। और पूछताछ से पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं कि दोनों को लेकर सीबीआई की टीम जो है वो पटना के सीबीआई ऑफिस गई है और वहां पर इन दोनों से पूछताछ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन कुमार के साथ उत्कर्ष न्यूज नेशन पटना। और देखिए हमारे साथ उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष देखिए लगातार हम देख रहे हैं सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन में और चिंटू का जिस तरीके से नाम सामने आया, तो वही कहा यह जा रहा है कि मेडिकल जांच हुई और अब पूछताछ एक बार फिर से होगी सीबीआई के द्वारा। और बिल्कुल देखिए कल ही सीबीआई को दो लोगों के लिए रिमांड जो है वो मिल गया था। जो पहला व्यक्ति था वो चिंटू और दूसरा मुकेश। इन दोनों से सीबीआई जो है वो 5 तारीख तक पूछताछ करेगी, यानी कि करीब एक हफ्ते का रिमांड जो है वो मिला था। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि एक बड़ी कार्रवाई जो है सीबीआई करेगी, लगातार पूछताछ करेगी, अब इसको लेकर कल ही दोनों का रिमांड जो है सीबीआई के विशेष अदालत ने दे दिया था। आज पटना के बेउर जेल से इन दोनों को लाया गया। सबसे पहले इन दोनों की मेडिकल जांच हुई, उसके बाद दोनों को कह सकते हैं कि पटना के सीबीआई दफ्तर ले जाया गया। सीबीआई दफ्तर के अंदर दोनों से पूछताछ होगी, क्योंकि कई मामलों में कह सकते हैं कि अभियुक्त के तौर पर सबसे पहला चेहरा जो है वो चिंटू का आ रहा है कि चिंटू ये वो शख्स था जिसके पास सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिला था। अब सीबीआई वो तमाम जानकारी इकट्ठा कर रही है कि किस तरीके से चिंटू के पास ये क्वेश्चन पेपर आया, संजीव मुखिया का चिंटू से क्या कनेक्शन है। अंकुर बिल्कुल, और देखिए क्या उत्कर्ष चिंटू से जिस तरीके से पूछताछ होगी तो क्या अब सीबीआई के हाथ कई और लोगों तक भी पहुंच सकते हैं इस पूछताछ के बाद अगर माना जाए। अब बिल्कुल देखिए जो सबसे बड़ा सरगना माना जा रहा है, जो किंगपिन माना जा रहा है वो संजीव मुखिया है। अब जो पूरी तरीके से कवायद है वो धरपकड़ की है संजीव मुखिया की, तो ऐसे में चिंटू से वो तमाम चीजें उगलवाने की कोशिश जो है वो सीबीआई करेगी कि किस तरीके से ये तमाम चीजें हुई, कौन सा नेक्सस इसमें जुड़ा हुआ है और संजीव मुखिया का सबसे बड़ा कनेक्शन इसमें क्या। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए लगातार एक्शन में और अब चिंटू को लेकर के जिस तरीके से नाम सामने आया था, तो वहीं मनीष का भी मेडिकल जांच हुई है और इसके बाद अब दोनों से सीबीआई दफ्तर उनको लाया गया और यहां पर उनसे पूछताछ होगी। जांच के बाद दोनों से यह पूछताछ होगी, दोनों आरोपियों से सीबीआई की यह टीम करेगी पूछताछ। बताना चाहोगे कुछ क्या हुआ था?